नदवई से कांग्रेस विधायक और देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह अवाना ने कहा है कि बीजेपी से गुर्जर समाज का एक भी विधायक नहीं जीतने का समाज को नुकसान हुआ है। गुर्जर समाज ने बीजेपी के सभी उम्मीदवारों को हरा दिया। भरतपुर जिले के डीग क्षेत्र के पसोपा गांव में गुर्जर समाज के कार्यक्रम में दिया हुआ जोगेंद्र अवाना का भाषण सियासी हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। अवाना के बयान पर कांग्रेस समर्थक गुर्जर नेताओं ने कड़ी आपत्ति जताई है। जोगेंद्र सिंह अवाना के बयान पर गुर्जर नेता हिम्मत सिंह ने निशाना साधा है। हिम्मत सिंह ने लिखित बयान जारी कर कहा है कि बीजेपी के राज में हमारे गुर्जर आरक्षण आंदोलन में 74 गुर्जर युवाओं को गोली मारकर शहीद कर दिया। हजारों गुर्जरों पर मुकदमे और हमारे ऊपर देशद्रोह राजद्रोह जैसी संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए। गुर्जर समाज के त्याग बलिदान और हमारे संघर्ष से बने देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ने उस बीजेपी की पैरवी की है, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अवाना कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के खिलाफ है। मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी ने 8 टिकट दिए थे पूरे राजस्थान में समाज के लोगों को, लेकिन वो सारे के सारे आपने क्लिप बोर्ड कर दिए। मैंने तो पता नहीं कैसे जीत गया, मेरा भाग था, लोगों का आशीर्वाद था और मेरा नसीब अच्छा था कि मैं जीत गया, नहीं तो सारे बीजेपी के एक के बाद एक उम्मीदवार सारे के सारे हारे। पहला बार ऐसा हुआ है राजस्थान की विधानसभा में कि जो दो दल हैं मुख्य तौर पे बीजेपी और कांग्रेस, दोनों से हमेशा हमारे विधायक जीतते थे, पहली बार ऐसा हुआ। और इस जीतने का कारण मैं आपको बताता हूं कि जो 8 लोग हमारे लूज कर गए उसका नुकसान मैं आपको अभी बताता हूं। मैं बहुजन समाज पार्टी से जीता, 7 लोग कांग्रेस पार्टी से जीते हमारे समाज के। और जिस समय मैं जीता उस समय जैसे ही हम लोगों ने शपथ ली उसके तुरंत बाद कर्नल साहब का आंदोलन चल रहा था आरक्षण को लेकर पूरे राजस्थान में, और कर्नल साहब फिर दोबारा से पटरियों पर बैठ गए थे। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं भी समाज के एक बड़े प्रोग्राम में गया हुआ था, वहां मैं लोगों को आश्वस्त करके आया कि कर्नल साहब सड़कों पर बैठे हैं और जैसा अभी मैडम साहब ने कहा कि आप विधानसभा में आवाज उठाओ हम सड़कों पर उठाएंगे, तो मैं सभी समाज के लोगों को पूरी सरदारी को आश्वस्त करके गया कि कल विधानसभा है और विधानसभा में मजबूती के साथ में मैं आवाज उठाऊंगा आरक्षण की। और आप यकीन करना समाज के कई MLA भी वहां बैठे हुए थे और उन्होंने भी आश्वस्त किया कि हम भी मजबूती के साथ में आवाज उठाएंगे कल आरक्षण की। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य रहा कि जो लोग वहां घोषणा करके गए एक व्यक्ति राजस्थान की विधानसभा में जब चर्चा चल रही थी एक आदमी खड़ा हुआ। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि मेरे साथ मैं खुद था और 11 लोग। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आपके इलाके और प्रदेश की खबरें सबसे पहले मिलें।